बहेड़ी झोला छाप डॉक्टरों पर कार्यवाही आखिर कब। बहेड़ी झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से लगातार हो रही मौत। बीते दिन एक अस्पताल में एक महिला की मौत की खबर छपने से मंगलवार को जिम्मेदारों की आंख खुली। स्वास्थ्य महकमे में अधिकारियों ने छापा मारकर कार्रवाई की। अवैध रूप से संचालित एक हॉस्पिटल को सील किया गया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में लगातार झोला छाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद है। आए दिन इन डॉक्टरों के यहाँ मरीजों को मरते देखा जाता है। बीते दिन गाँव सरकस निवासी एक महिला की गाँव के ही सेवा अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसकी खबर अखबार में प्रकाशित होने के बाद जिम्मेदारों की आंखें खुली और सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर रोहम ने टीम के साथ सेवा अस्पताल में छापा मारा, जहां उन्हें बिना डिग्री के डॉक्टर व बिना पंजीकरण अस्पताल पाया। सीएचसी अधीक्षक ने मशीनें सील करना चाहकर, जिस पर झोला छाप डॉक्टरों ने उन्हें कमरे में बंद कर मशीनें गायब करा दी, जिसकी सूचना पुलिस को लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने झोला छाप डॉक्टरों को पकड़कर थाने ले आई और सीएचसी अधीक्षक ने अस्पताल को सील कर दिया। सीएचसी अधीक्षक पर लगाया पैसे लेने का आरोप। झोला छाप डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल खोलने के सीएचसी अधीक्षक को 5 लाख रुपए दिए गए, 1 लाख रुपए महीना भी देता हूँ। कल पेपर के माध्यम से हमें पता चला कि यहाँ पे गर्भवती महिला की मृत्यु हुई है। उसी का संज्ञान लेते हुए हम लोग जो हैं आज 2 होमगार्ड के साथ और 1 अपने स्टाफ कर्मचारी के साथ हम यहाँ पर तफ्तीश करने आए। जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगा हुआ है। पहले भी यहाँ पे एक नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर चलता था, जिसको हमारे द्वारा बोलने पर यहाँ से हटवाकर भूजीपुरा पर शिफ्ट करवा दिया गया। उसके बाद से यहाँ पे कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर चलने की कोई सूचना हम लोग के पास नहीं थी। लेकिन जब हम लोग ने ऊपर देखा तो ऊपर 3-4 मरीज अल्ट्रासाउंड का इंतजार कर रहे थे। वहाँ पर्ची पड़ी हुई थी, वहाँ से हमें शक हुआ कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड ही हो रहा है। हम तो सिर्फ हॉस्पिटल के दस्तावेज देखने के लिए आए थे, जो कल का प्रकरण था सिर्फ उसी का शिनाख्त करने के लिए आए थे। लेकिन जब हमने उसके बाद देखा कि मशीन गर्म है, तो हमारे साथ जो होमगार्ड थे उन्होंने मशीन की तलाश की और वो अंदर के कमरे में वो मशीन पाई गई। जब हमने इनसे कहा कि भाई ये मशीन भी हमें सील और सीजर करना पड़ेगा, तो इन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन उसके बाद भी इनके प्रोब और इनके जितने अल्ट्रासाउंड के पर्चे थे और जो भी पर्ची कटी थी, वो सारी हमने एक जगह सील करके दोनों हमारे कांस्टेबल के सामने और साथ में इनके कर्मचारियों के सामने उनको सील किया, उसका कंटेंट बनाया। लेकिन उसके बाद वसीम साहब इन्होंने आकर जो है उस सारे डॉक्यूमेंट्स को छीन लिया हमसे और मशीन भी वहाँ से गायब कर दी। अब ये प्रकरण जो है पुलिस के संज्ञान में आ गया है, आगे की कार्रवाई जो पुलिस के द्वारा की जाएगी। अभी तक जो हुआ है उसमें यह है कि पुलिस जो है वो वसीम को कोतवाली ले गई है और यहाँ पे 2 होमगार्ड खड़े हुए हैं जो इस चीज़ की निगरानी कर रहे हैं कि यहाँ से कोई मशीन बाहर ना जाए। बाकी ये बात हमारे भी संज्ञान में नहीं है कि यहाँ पे PNDT हो रही है, ना ही PNDT का कोई रजिस्ट्रेशन मेरे संज्ञान में है। PNDT के तहत यहाँ पे सील और सीजर करने का अधिकार मुझे DM साहब द्वारा और CMO साहब द्वारा दिया गया। इसके अलावा झोले छाप को चेक करने के निरंतर आदेश जो है CMO साहब के द्वारा हमारे पास आए गए हैं। लेकिन क्योंकि कल की घटना इतनी बड़ी थी, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा, जिसके आदेश मुझे CMO साहब ने दिए।